आइए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। आपको बताते चले कि भारतीय जनता युवा मोर्चा यमुना पार के द्वारा मास्क वितरण का कार्यक्रम विगत कई दिनों से चल रहा है। आज इसी क्रम में मास्क वितरण कार्यक्रम मामा भांजा तालाब में किया गया। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और हैंड सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग निरंतर करना है सभी को बताया भी गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री वीरेंद्र शुक्ला जी के द्वारा किया गया। वहीं मंडल अध्यक्ष पृथ्वी लाल सिंह जी का सहयोग बराबर इस कार्यक्रम में मिलता रहा। मास्क वितरण कार्यक्रम में शिवम तिवारी जी, विनय गुप्ता जी, रंजीत तिवारी जी आदि लोग साथ रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए विनय कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। जी भाई साहब, हम आपको कई दिन से देख रहे हैं, आप जगह जगह पे टहल के आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? भाई साहब, ये जो इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है उससे मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी यमुना पार द्वारा हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में हम लोग जो है ये मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम ये मामा भांजे तालाब पे रखा गया है और इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कैसे अपने आप को वो कोरोना से बचाएं, उन्हें बराबर मास्क का प्रयोग करना है, हैंड सैनिटाइज करना है। मैं मनीष मिश्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष, शाखा मंडल। धन्यवाद।